एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम ऑपरेटर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग सीबीटीसी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल मेट्रो स्टेशन में हम लोग कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसका बारे में, उसका बेसिक्स का बारे में आज देखेगा, ठीक है। अगर आप पार्ट वन को मिस करेगा तो कुछ टेंशन नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, उसमें प्लेलिस्ट हम लोग दे चुका हूँ, उसमें आप अगर जाके सीबीटीसी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल इन मेट्रो स्टेशन बेसिक्स पार्ट 1, 2, 3 हिंदी बोल के देखेगा तो उसमें हम लोग तीनों पार्ट को दे चुका हूँ। अगर पार्ट वन को मिस करेगा तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख के देख सकते हैं, ठीक है। पार्ट टू में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करा रहे हैं, सो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल मतलब क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, अगर एटीपी है तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, कैसे सीबीटीसी फंक्शनलिटी टेस्ट करवा रहे हैं। सो कॉन्सेप्चुअली सीबीटीसी कम्युनिकेशन में ट्रेन कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम कैसा है, ठीक है, उसमें हम लोग यूज़ करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन क्या है, उसका लेवल्स क्या है, ओके। एंड अगर ये सीबीटीसी इंप्लीमेंटेड मेट्रो स्टेशन हमारे इंडिया में कौन सा स्टेशन में है, इन एंड अराउंड इंडिया, ओके, अराउंड द वर्ल्ड कौन कौन सप्लायर है, ओके, इसको ये सीबीटीसी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। एंड अगर हम लोग सीबीटी सिस्टम का आर्किटेक्चर लैन यूज करके एस्टेब्लिश कर सकते हो वो देखने के लिए कैसी दिख आएगा, ठीक है। एंड सीटीसी आर्किटेक्चर देखने के लिए कैसे दिखेगा, ऑन कोर इक्विपमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग देखेगा, ठीक है। ये मेट्रो स्टेशन देखने के लिए ऐसी दिखेगा, ये एक छोटा एग्जाम्पल है, ठीक है। सो हम लोग ये हमारे डिस्कशन में बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म्स दैट इज अब्रिवेशंस यूज़ करवा रहे हैं, अगर कोई अब्रिवेशंस को डिस्क्रिप्शन को आपको डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज सीबीटीसी, दैट इज कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। सो ये क्या करेगा, उसका काम क्या है, ये हम लोग रेलवेज में सिग्नलिंग सिस्टम में यूज़ करवा रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन यूज़ करके है ना, ट्रेन एंड हमारा ट्रैक इक्विपमेंट के बीच में हम लोग बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवा रहे हैं। अगर कभी भी हम लोग ये सीबीटीसी टेक्नोलॉजी एक मेट्रो स्टेशन में एस्टैब्लिश कर रहे हो, इट शुड कंप्लाई IEEE 1474 स्टैंडर्ड्स, ओके। ये मेथड यूज करके हम लोग एफिशिएंट वे में रेलवे ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेथड में फ़ायदा क्या है, सो हम लोग ट्रेन का एग्जैक्ट लोकेशन है ना डिटरमिन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कभी भी है ना डेटा कम्युनिकेशन लिंक हमारा ट्रेन बोर्ड इक्विपमेंट्स एंड वेस्ट इक्विपमेंट का बीच में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवा रहे हैं। एंड इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, ये टेक्नोलॉजी में ATP दैट इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, ATO ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन है, एंड ATS ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन भी है, ठीक है। ये यूज करके हमको एफिशियंटली पीपल्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, हमको ऑप्टिमाइज ट्रेन स्पीड ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल में परफॉर्म कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में हमको डिलीवर कर सकते हैं, डे वन से हमको उसको चालू कर सकते हैं, ओके। एंड ड्राइवरलेस सिस्टम से हमको कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, पावर सेव कर सकते हैं, ईजी मेंटेनेंस कर सकते हैं, ओके। एंड ये 100% सेफर सिस्टम है, ओके, मिनिमम ट्रैक सेट इक्विपमेंट्स है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम ट्रैक सेट इक्विपमेंट्स हमको 20% है ना इक्विपमेंट्स को कम करवा रहे हैं, एंड बेटर परफॉर्मेंस का भी इंक्रीज करवा रहे हैं। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, 24x7 हमको ये एंटायर सिस्टम को चालू कर सकता है, ठीक है, हमको ईजीली आसानी से, ओके, ये एंटायर सिस्टम को हमको रेलवे ट्रांसपोर्ट को ऑटोमेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सीबीटीसी एंड पीटीसी के बारे में हम देखेंगे तो पीटीसी में सिर्फ एटीपी है, एंड सीबीटीसी में ATS, ATO एंड ATP तीनों हैं। अगर हम लोग इसका एज इक्विपमेंट हमको देखेंगे तो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल में चार इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, सेंट्रल वे साइड ट्रेन बोर्ड इक्विपमेंट एंड डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अगर मान लो हम लोग ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम उसका हमको ट्रेन लोकेशन का डिटरमिन करने का, ठीक है। सेकेंड काम क्या है, सो ट्रेन मूवमेंट को डिटरमिन करके ट्रेन का लोकेशन एंड रूट स्टेटस के बारे में क्लैरिटी देने का, वो इसका सेकेंड काम है। तीसरा काम क्या है, वो सब चीज डिसाइड करके ATP प्रोफाइल के हिसाब से वो बराबर वो कंसर्न स्पीड में चल रहे नहीं चल रहे उसको डिटरमिन करने का, उसको सुपरवाइज करने का। अगर वो कंसर्न स्पीड में नहीं जा रहे तो भी उसको इन्फोर्स करके वो ट्रेन को वो कंसर्न स्पीड में लेके जाने का, ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का काम है। मान लो दो ट्रेन एक ही ट्रैक में जा रहा है, सो एज पर कैलकुलेशन पीछे आने वाला ट्रेन थोड़ा बहुत बड़ा स्पीड में आ रहा है, वो अभी क्या है ये ATP क्या कर रहा है कैलकुलेट करके सो फर्स्ट ट्रेन को बता रहा है, मान लो वो इतना ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, अगर आप ये लो स्पीड में मेंटेन करेगा तो एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सेफ्टी ब्रेकिंग डिस्टेंस इधर कम है, सो तुम क्या कर दो, सो तुम्हारा स्पीड को इंक्रीज कर दो बोल के इन्फॉर्मेशन बताएगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन सुन के
काम किए तो ठीक है, अगर नहीं करे तो वो क्या करेगा, वो खुद टेलीफोर्स करके वो उसको स्पीड में लेके जाएगा। सो सीबीडीसी फंक्शनलिटी टेस्ट अब देखेगा तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फैक्ट्री फंक्शनलिटी टेस्ट, टेस्ट ट्रैक फंक्शनलिटी टेस्ट एंड फील्ड फंक्शनलिटी टेस्ट। ठीक है, सो ये फैक्ट्री फंक्शनलिटी टेस्ट में उसका फंक्शंस एंड सब फंक्शंस का पूरा वेरीफाई करेगा। अगर फैक्ट्री में सब चीज ठीक है तो उसको सीधा लेके जाएगा, अगर नहीं कोई सब फंक्शंस उसमें वेरीफाई नहीं किया तो वो टेस्ट ट्रैक फंक्शनलिटी टेस्ट में देखेगा। उसमें भी है ना, अगर पूरा का पूरा टेस्टिंग हो तो ठीक है और डायरेक्टली फुल्ली वेरीफाइड बोल के देगा, अगर नहीं है तो वो फील्ड फंक्शन टेस्ट को लेके जाएगा। अगर फील्ड फंक्शन टेस्ट में सब चीज ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं उसको कोई सब फंक्शंस को मिस करवा रहे, प्रॉपरली बराबर वेरीफाई नहीं करवा रहे तो वो सब चीज को फील्ड में वेरीफाई करके सो एंटायर सिस्टम को दिएगा। सी दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। सो ये ऑलरेडी हम लोग बता चुका हूँ, अगर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन सिस्टम के बारे में आप देखेंगे तो आप कंटिन्यूसली इसके साथ कम्युनिकेट करके एग्जैक्ट पोजिशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन यूजिंग द रेडियो नेटवर्क हम लोग एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। एंड हम लोग कम्युनिकेशन के लिए 30-60 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करवा रहे हैं, नॉट अवॉइड द इंटरफ्रेंसेस। ठीक है, अगर ये ट्रेन क्या करेगा, कंटिन्यूसली एक कैलकुलेशन करेगा कम्युनिकेट करके अलॉन्ग विद द वेस इक्विपमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियो नेटवर्क। सो कम्युनिकेट करके क्या बताएगा, उसका एग्जैक्ट पोजिशन बताएगा, वो कौन सा स्पीड में चल रहे हैं, वो कौन सा डायरेक्शन में ट्रैवल करवा रहे हैं, उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, सब इन्फॉर्मेशन उसको देगा, किसी को वेस इक्विपमेंट्स को दिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करके हमारा सेफ्टी रिक्वायरमेंट के अंदर ही वो काम कर रहे तो ठीक है, अगर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को वो ब्रीच कर रहे तो ना इमीडिएटली क्या करेगा, उसका अंदर लेके आने का काम पूरा ये करेगा। ठीक है, अगर हम लोग ये सिस्टम को एज अ तीन कैटेगरी देखेगा तो उसका सबसिस्टम देखेगा तो ट्रैक साइड सिग्नलिंग सिस्टम है, रेडियो सिग्नलिंग सिस्टम है, ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स है। ठीक है, अगर ट्रैक साइड सिग्नलिंग का इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे है, वो उधर से ऑनबोर्ड इक्विपमेंट को कम्युनिकेट करेगा, ऑनबोर्ड इक्विपमेंट भी ऑनबोर्ड इक्विपमेंट से ट्रैक साइड सिग्नलिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, रेडियो इक्विपमेंट क्या करेगा, सीधा हमारा ट्रैक साइड इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेशन करेगा। फंक्शंस के बारे में देखेंगे तो ऑनबोर्ड इक्विपमेंट का काम है ट्रेन का लोकेशन का डिटेक्ट करने का, उसको पैटर्न्स का कंट्रोल करने का, कैलकुलेशन करने का, स्पीड कंट्रोल करने का। ट्रैक साइड इक्विपमेंट का काम है ट्रेन को ट्रैक करने का, ट्रेन का हेडवे को कंट्रोल करने का, रूट को कंट्रोल करने का, ये इंटरलॉक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन अरेंजमेंट्स के बारे में देखेंगे तो सो हम लोग ऑनबोर्ड इक्विपमेंट से इमरजेंसी ब्रेक एंड सर्विस ब्रेक समझ सकते हैं। अगर मान लो ये सिस्टम में आप दो मेथड्स है, एक फिक्स्ड ब्लॉक वर्किंग है, दूसरा मूविंग ब्लॉक वर्किंग है। फिक्स्ड ब्लॉक वर्किंग है तो दो ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट करेगा, दो ब्लॉक के अंदर मान लो ट्रेन वन एक ब्लॉक में है, ट्रेन टू दूसरा ब्लॉक में, तो दोनों के बीच में एक ब्रेकिंग को मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है, ये मूविंग ब्लॉक मेथड। ये मूविंग ब्लॉक मेथड का फायदा क्या है, सो ये मेथड यूज करके हम लोग सेफ्टी ब्रेकिंग डिस्टेंस भी मेंटेन करके हम लोग हमारे ट्रेन्स को बहुत क्लोजर रन कर सकते हैं। ये दिस मूविंग ब्लॉक वर्किंग का फायदा है। ठीक है, सो ये मेथड में ये पूरा इंफॉर्मेशन है ना हमारा ऑनबोर्ड इक्विपमेंट से भी लिएगा, बेसिक इक्विपमेंट से लिएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करके ट्रेन को चलाएगा। ठीक है, अगर लेवल का ऑफ ऑटोमेशन का बारे में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा ग्रेड्स है, ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ग्रेड 0 है तो ऑन साइट है, हम लोग नॉर्मली फ्रांस में आप देखेगा तो फ्रांस लाइक कंट्रीज में ट्राम्स है, सो वो पूरा ट्राम्स ये ऑन साइट दैट इज ग्रेड 0 में आएगा। ग्रेड 1 इज मैनुअल, इसमें क्या है, ट्रेन का ड्राइवर उसका स्टार्टिंग स्टॉपिंग डोर हैंडलिंग ड्राइव हैंडलिंग एमरजेंसी कंडीशन सब चीज वो देखेगा। ठीक है, एंड ग्रेड 2 ऑटोमेशन क्या है, एसटीओ दैट इज सेमी ऑटोमेटिक, इसमें क्या है स्टार्टिंग स्टॉपिंग पूरे ऑटोमेटिक है, एक ड्राइवर उसका अंदर है, उसका काम क्या है, वो डोर हैंडलिंग ड्राइव्स का हैंडलिंग, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में कुछ सपोर्ट चाहिए तो भी वो हैंडल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डीटीओ दैट इज ड्राइवरलेस, इसमें क्या है स्टार्टिंग स्टॉपिंग पूरा ऑटोमेटिक है। ठीक है, इसका अंदर एक ट्रेन अटेंडेंट है, उसका काम क्या है डोर को ऑपरेट करने का, ड्राइव्स को ऑपरेट करने का, कुछ इमरजेंसी कंडीशन है वो उसको हैंडल करने का, ये ट्रेन अटेंडेंट का काम है। ठीक है, यूटीओ दैट इज अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन, इसमें क्या है हम लोग स्टार्टिंग स्टॉपिंग डोर हैंडलिंग ड्राइव हैंडलिंग इमरजेंसी कंडीशन हैंडलिंग ये पूरे ऑटोमेटिक है। ठीक है, प्लेटफॉर्म स्क्रीन्स में इवन प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स में डिस्प्ले रखेगा। ठीक है, सो ये मोड्स के बारे में आप देखेगा तो सेम ऑटोमेशन में, सो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बता चुका हूँ। ग्रेड 1 में आप ट्रेन ऑपरेशन आप देखेंगे तो
इसका अंदर एटीपी अलोंग विद ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है। सो वो ड्राइवर स्टार्टिंग स्टॉपिंग डोर हैंडलिंग इमरजेंसी पूरा हैंडल करेगा। एंड सेकेंड ग्रेड में आप देखिएगा तो एटीपी एंड एटीओ विद ड्राइवर, इसमें स्टार्टिंग स्टॉपिंग ऑटोमेटिक है, डोर क्लोजर एंड इमरजेंसी हैंडलिंग ड्राइवर करेगा। ड्राइवरलेस में स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑटोमेटिक है, डोर हैंडलिंग एंड इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग ट्रेन अटेंडेंट करेगा। यूटीओ इसमें देखेगा तो स्टार्टिंग स्टॉपिंग डोर क्लोजर एंड इमरजेंसी हैंडलिंग है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, ठीक है। सो हमारा ये सेम मेट्रो टेक्नोलॉजी ओके अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मेट्रो स्टेशन में इम्प्लीमेंटेड है। अगर लंदन में है तो उसका सप्लाई 40 है, ठीक है। अगर हंगेरी में देखेगा तो वो सीमेंस है, सिंगापुर में देखेगा तो अल्स्टॉम है, ठीक है। रियाद में देखेगा तो अल्स्टॉम है, दिल्ली में देखेगा तो निप्पॉन सिग्नल से, इस ऐसे बोल के बहुत सारा सप्लाई है एंड उसका सोल्यूशंस भी है। अब लेवल का ऑटोमेशन का देखेगा तो कुछ जगह में एसटीओ है, कुछ जगह में यूटीओ, इवन हमारा दिल्ली मेट्रो में यूटीओ है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, हमारे इंडिया में ये सीबीडीसी टेक्नोलॉजी बहुत सारा मेट्रो सिस्टम इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी। हैदराबाद, लखनऊ, कोच्चि, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे, बैंगलोर, ओके। दिल्ली मेट्रो लाइन्स का बारे में आप देखेगा तो बहुत सारा वेराइटीज है, लगभग 10 डिफरेंट लाइन्स है। रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ओके, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, पिंक लाइन, मजेंटा लाइन, ऑरेंज लाइन बोल के बहुत सारा वेराइटीज है। अगर ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन टेक्नोलॉजी को, ट्रेन कंट्रोल को आप लैंड नेटवर्क यूज करके एस्टैब्लिश कर रहे हो तो उसमें आईओ मॉड्यूल्स एकदम इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड बेस स्टेशन कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट है, बेस स्टेशन इंपॉर्टेंट है, मोबाइल स्टेशन इंपॉर्टेंट है एंड ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसका आर्किटेक्चर का बारे में देखेंगे तो आप ऐसे चार कैटेगरी आपको इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ओसीसी इक्विपमेंट है, ओके, ऑपरेटर कंट्रोल सेंटर इक्विपमेंट, वे साइड इक्विपमेंट्स, ट्रैक साइड इक्विपमेंट एंड ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो इसका आर्किटेक्चर के बारे में आप देखेंगे तो, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड वे साइड एटीपी इंटरलॉकिंग एंड वे साइड एटीओ इंपॉर्टेंट है, रेडियो कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स लाइक ऑनबोर्ड एटीपी एंड ऑनबोर्ड एटीओ, ठीक है। अगर ऑनबोर्ड इक्विपमेंट का अंदर घुस के आप देखेगा तो, अगर ट्रेन टनल में काम करने के लिए उसका का बात करने के लिए रेडियो चाहिए, एटीसी चाहिए, ठीक है, प्लेटफॉर्म साइट्स में पीटीएस चाहिए, आईओ मॉड्यूल चाहिए स्मार्ट वे से। ये एक टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है। सो टेक्नोलॉजी सप्लायर के हिसाब से टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स थोड़ा डिफर हो जाएगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। आप इसके बारे में समझने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो आप हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड अपडेट एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमिशनिंग कंसल्टेंट सपोर्ट से रहा। आप जीसीसी में काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, आप इंटरेस्टेड है, आपको बिल्डिंग ऑटोमेशन के बारे में समझना पड़ेगा तो आप हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग पीएलसी सीमेंस एलन बॉडी डेल्टा पीएलसी का बेसिक प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद। अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री के बारे में क्लियरली आपको देखने को तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, उसके अंदर प्लेलिस्ट हम लोग दे चुका हूँ, उसमें जाके तीनों पार्ट को आप बराबर देख सकते हैं। धन्यवाद।